दोस्तों, आज हम आपको तुर्की के खूबसूरत शहर इस्तांबुल लेकर चल रहे हैं। इस्तांबुल दुनिया का एकमात्र शहर है जो आधा यूरोप और आधा एशिया में है। इस्तांबुल की आबादी लगभग 1.6 करोड़ है। दोस्तों, तीन दिन में हम आपको इस्तांबुल शहर के बेहतरीन टूरिस्ट अट्रैक्शंस के साथ टैक्सिम की नाइट लाइफ, एशिया का सबसे पुराना ग्रैंड बाजार बोस्फोरस में क्रूजिंग से लेकर ग्राटा टावर और हागिया सोफिया और दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद ब्लू मास्क दिखाएंगे। दोस्तों, इस्तांबुल को हम दो पार्ट में दिखाएंगे। जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में लिखा है, वैसे हमारा तुर्की का ट्रिप 15 दिनों का है, इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें। यहाँ तक लिस्ट आती है, वहाँ तक आ जाए। ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लिफ्ट के बाद। देखिए जहाँ तक चला जाता और चल पाता है। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत बहुत सुंदर व्यू है। ये ऊपर से गलत है चावल के निकाल दीजिए, बहुत फोरस रिवर देख रही है। दोस्तों, 67 मीटर ऊंचे इस मध्ययुगीन टावर से पूरा इस्तांबुल शहर दिखाई दे रहा है। ग्राटा टावर को 14वीं शताब्दी में शहर की किलेबंदी के हिस्से के रूप में जेनोइस द्वारा बनाया गया था। यह वॉच टावर और एक छोटी जेल के साथ लाइट हाउस के रूप में भी काम करता था। ग्राटा टावर की वास्तुकला मध्ययुगीन यूरोपीय और ऑटोमन प्रभावों के मिश्रण को दर्शाती है, जो इसे एक अद्वितीय और आकर्षक संरचना बनाती है। शहर की सबसे पुरानी और सबसे प्रतिष्ठित संरचनाओं में से एक के रूप में ग्राटा टावर इस्तांबुल के समृद्ध इतिहास और विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका डेक, जहां पर हम इस समय खड़े हैं, दुनिया भर से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों, यह है टैक्सिम स्क्वायर। सामने तुर्की की स्वतंत्रता का प्रतीक, स्वतंत्रता स्मारक और ऐतिहासिक अतातुर्क सांस्कृतिक केंद्र दिखाई दे रहा है, जो इस्तांबुल के सांस्कृतिक परिदृश्य का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ सड़कों पर ढेर सारी दुकानें, कैफे और रेस्तरा के साथ रंगीन स्टोर फ्रंट और मोहक सुगंध निश्चित रूप से आपकी
इंद्रियों को मोहित कर लेगी। दोस्तों, यह बकलावा है। यह टर्की का सबसे स्वादिष्ट स्वीट डिश है। ये पूरा जो है, और ये है यहाँ की टी। ये लोग रोटी नहीं बेल रही है, ये बना करके एक यहाँ कुछ भर करके उसमें आलू हो कुछ भी, जैसे पराठा टाइप। पारंपरिक तुर्की व्यंजनों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों तक टैक्सिम स्क्वायर में हर स्वाद के लिए कुछ न कुछ मौजूद है। वास्तव में टैक्सिम स्क्वायर संस्कृति, इतिहास और मनोरंजन का एक सच्चा मिश्रण है। दोस्तों, आज फ्लाइट की थकान के बाद हमारे पास इस्तांबुल के सबसे जीवंत और हलचल भरे केंद्रों में से एक टैक्सिम स्क्वायर एरिया में घूमकर नाइट लाइफ एंजॉय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रात में टैक्सिम स्क्वायर वास्तव में अपनी जीवंत नाइट लाइफ के साथ जीवंत होता है। सड़कें रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाती हैं और संगीत की मधुर ध्वनि हवा में गूंजती है, क्योंकि स्थानीय लोग और पर्यटक जीवंत वातावरण का आनंद लेने के लिए एक साथ आते हैं। दूसरे दिन के टूर में आपका इस्तांबुल में पुनः स्वागत है। तो आइए चलते हैं पियर पर। ये इमेनू पियर है। यहाँ पे डिफरेंट प्राइवेट वो हैं जो फेरी और क्रूज चलाते हैं, जिसमें एक घंटे का है, शाम को डिनर क्रूज है, डिनर क्रूज का वैसे और भी हैं अच्छे अच्छे। हमने जो है सरकारी जो है वो 10 रुपये 10 लीरा का होता है, हमने जो लिया है वो 30 लीरा का लिया है पर हेड, वहाँ से टिकट लिया और ये बस हमको ले जाएगी जलाता ब्रिज के पास नीचा क्रूज खड़ा है, उससे जाएंगे हम। एक घंटे का टूर है बस को रस्ता।
सामने यह गलाटा ब्रिज दिखाई दे रहा है और हम लोग थोड़ी देर पहले गए थे। पूरा नीचे एयर कंडीशनड रेस्टोरेंट इतना खूबसूरत बने हुए हैं और बिल्कुल नॉनवेज खाने वाले के लिए या फिश खाने वालों के लिए तो स्वर्ग है बिल्कुल। और उधर दूर पीछे गलाटा टावर है। दोस्तों यह बोस्फोरस जल जमरू मध्य इस्तांबुल में एक प्राकृतिक स्टेट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण जलमार्ग है। बोस्फोरस रेड सी को भूमध्य सागर में स्थित मार्मरा सागर से जोड़ता है और एशिया और यूरोप के बीच महाद्वीप सीमाओं में से एक बनाता है। दोस्तों इसकी लंबाई 31 किलोमीटर 31 किलोमीटर और चौड़ाई 700 मीटर से लेकर 1100 मीटर तथा गहराई 110 मीटर है। बोस्फोरस हमेशा वाणिज्यिक और सैन्य दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहा है और यह आज भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना हुआ है। यह रूस और यूक्रेन सहित कई देशों के लिए प्रमुख समुद्री पहुंच मार्ग है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रीक ने इस बोस्फोरस के आसपास के जो राजघराने थे उनसे अच्छे संबंध बनाए रखा, सिर्फ इसलिए कि उन्हें यहाँ से अनाज का आयात करना था। एशियन भाग और यूरोपीय भाग को जोड़ता है। Thank you.
बोस्फोरस का यह हमारा दौरा बहुत ही रोमांचक भरा रहा। आगे जो सी बर्ड्स थी उन्हें देखना बहुत अच्छा लगा। हम लोग एकदम ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ने वाली इस जमरू मार्ग के बिल्कुल मुहाने तक गए। हम लोग मशहूर ग्रैंड बाजार इस्तांबुल का यहाँ के हैं। ये एंट्रेंस गेट है, मशहूर ग्रैंड बाजार है। 5,700 साल अंडरग्राउंड है, 500 साल पुराना बाजार है। ग्रैंड बाजार की स्थापना 1455 में शुरू हुई, जब ऑटोमन साम्राज्य के दूरदर्शी शासक मेहमद द कांकरर ने इस्तांबुल के केंद्र में व्यापार और वाणिज्य के लिए एक केंद्र स्थापित करने का फैसला किया। चौंका देने वाली 61 सड़कों और 3,000 से अधिक दुकानों को कवर करने वाला यह बाजार संस्कृतियों और सभ्यताओं के पिघलने वाले बर्तन के रूप में इस्तांबुल के ऐतिहासिक महत्व का एक प्रमाण है। ये आ गए हम लोग अभी गेट नहीं है।